हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे टीसी के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि टीसी कटवाने के लिए। तो शुरू करते हैं। सेवा में सेवा प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोई भी आ सकता है, यहाँ पे किसी भी नाम आ सकता है। तो मैं यहाँ पे मेरी पसंद से लिखती हूँ। सांगानेर जयपुर। फिर हम यहाँ पे आते हैं विषय, तो इसके सिर में लिखेंगे यहाँ से विषय, यहाँ से थोड़ा सा टेक, फिर यहाँ से शुरू दोबारा। टीसी प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे यहाँ पे महोदय द्वारा फिर यहाँ से शुरू करेंगे इस जगह से। नम्र निवेदन, अब इस जगह या तो हमने कक्षा, जैसे जिस कक्षा में हम पढ़ते हैं, जैसे कक्षा 12 है, कक्षा 8, तो वो क्लास पढ़ के आगे की कक्षा में जाने जाते हैं, या फिर अपने पिताजी हैं जो अभी इसी शहर में रहते हैं जिस शहर में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो दूसरे शहर में उनका स्थानांतरण हो गया है, वो सर्विस मैन है, तो उसके साथ में वो जाना चाहता है, इसलिए ये टीसी कटवाने जाते हैं। तो हम दोनों ही उसमें लिखेंगे। पहले लिखते हैं कि नम्र निवेदन है कि मैंने, जैसे क्लास 8 लिखती हूँ मैं, या कक्षा 12 है, ऑप्शन कक्षा 8 या 12 कोई सी भी हो, 12 उत्तीर्ण कर लिए, उत्तीर्ण कर लिए, कर ली या इसी जगह मेरे पिताजी का का
स्थानांतरण। दूसरे शहर में हो गया है, जैसे हम इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो मैंने कक्षा 8 या 12 उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए आगे की कक्षा में प्रवेश के लिए मुझे शाला स्थानांतरण पत्र यानी कि TC, मुझे अपन तो शॉर्ट में लिखते हैं, मुझे TC देने की कृपा करें। या फिर इसके आगे ये भी हो सकता है कि ये जो यहाँ से अपन ने छोड़ दिया था मेरे पिताजी का स्थानांतरण, फिर इसके आगे ये भी लिख सकते हैं हम कि यहाँ से मतलब स्थानांतरण यहाँ से अजमेर, जयपुर, गंगानगर कहीं भी हो गया है तो मैं भी उनके साथ जाकर वहीं पढ़ूंगा, अतः प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण TC देने की कृपा करें। तो अपन अब यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके आगे अगर स्थानांतरण होता है तो ये लिखना आप कि मेरा पिताजी का स्थानांतरण जहाँ पे हो गया है वहाँ मैं भी जाना चाहता हूँ, इसलिए वहीं पढ़ूँगा, इसलिए मुझे ये TC देने की कृपा करें। फिर यहाँ पे लिख देंगे अपन धन्यवाद। और यहाँ पे दिनांक, जिस दिनांक में आप लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपके आज्ञाकारी शिष्या, यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है, X Y Z कोई भी नाम आ सकता है। तो हम शुरू से देखते हैं इसको। TC प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांगानेर जयपुर, विषय है TC प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैंने कक्षा 8 या 12 उत्तीर्ण कर ली है, मेरे पिताजी का स्थानांतरण, या तो कक्षा पास कर ली है या पिताजी का स्थानांतरण हो गया, इसलिए आगे की कक्षा में प्रवेश के लिए मुझे TC देने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ कोई भी दिनांक। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ अच्छे, वो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए।